नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना किसान पिता को भारी पड़ गया। सौदे ने किसान के गोलियों से भून कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक किसान ने सौदे के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी थी, जिससे बौखलाए दबंग सौदे ने खेत में ही किसान पर 10 से 12 राउंड फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। हाथरस की ये बेटी सम्मान से जीना चाहती थी। बाप अपनी बिटिया की आबरू की रक्षा कर रहा था, गुंडों ने गोलियों से छलनी कर दिया। हाथरस की बेटी का ये रुदन बंगाल प्रचार में व्यस्त न योगी जी तक पहुंच रहा और ना ही चापलूस मीडिया तक। जी हाँ, आपको बता दें, हाथरस की बेटी के बाद अब हाथरस की एक और बेटी के साथ हुई छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या का दुर्दांत कांड हुआ। भाजपा सरकार से हताश उत्तर प्रदेश की नारियों ने अब तो इस सरकार से इंसाफ की मांग करना भी छोड़ दिया। घूमने के लिए छह सात लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ खेत पे क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, और राम जाना आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा।